हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है घर की। बहुत टाइम हो गया था एक ही जगह सामान रखे रखे, तो सोचा चलो आज थोड़ा सा जो है वो चेंज करते हैं। तो भी थोड़ा चेंज किया और थोड़े से चेंज के बाद अभी तो आगे आगे आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगा कि इस घर में मैं करने वाली हूँ पेंट फर्स्ट टाइम, वो भी खुद से। और पूरा किचन भी मैंने आज साफ़ किया। आज मेरा किचन भी बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पे अनाया भी सो रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। गेट बंद कर दूँगी क्योंकि अगर बाहर से शोर आएगा ना तो ये उठ जाएगी। और मुझे जो है मैंने एक ये मंगवाया है जिसमें कि आप ये जो मतलब घर में फ्रेगनेंस के लिए, चूँकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी मैं इसमें कुछ बूंदे जो है वो ऑयल के डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी आपको इसमें ऐड करना है और पानी में कुछ ये बूंदे रख देनी है। ये है लेमन ग्रास, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी इसकी। तो अगर आप पॉजिटिविटी आती है घर में, इस तरीके की चीज़ें आप अगर इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा। और मुझे देखो घर में डेकोरेशन करने का, घर को सजाने का और बहुत ज़्यादा वो, चाहे घर खुद का हो या किराए का हो, जब आप वहाँ पे रहते हो तो वो सुंदर लगना चाहिए, बस मेरा ये है। आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ की न्यू लॉन्चेस लिपस्टिक। बहुत ही अच्छी, और सारे ही शेड में आप लोगों को दिखाऊंगी सारे ही शेड। ये टोटल जो शेड है वो है 3 और 3 प्लस 6 और 3 9 लिपस्टिक है ये, और 9 शेड है मेरे पास में। और मैं आप लोगों के साथ में इनका हर एक शेड जो है वो शेयर करूंगी, जिसमें से एक मैंने अप्लाई भी किया हुआ है। मामा अर्थ जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, तो इसी वजह से ये मेरा फेवरेट है। शैम्पू हो, ऑयल हो, स्किन से रिलेटेड कुछ भी हो, फेस वॉश वगैरह, मास्क वगैरह कुछ भी हो, या फिर हो कोई भी लिपस्टिक, मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं। इनमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अगर आप चाहे कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन पर इस्तेमाल करते हो और अगर उसमें केमिकल है तो उससे जो है आपका चेहरा हो, बाल हो या फिर आपके लिप्स हो, वो ख़राब होंगे ही होंगे। तो इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट जो हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, मेड सेफ होते हैं, तो आप उनको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो है मुझे रिसीव हुई है ये 9 शेड है। एक एक शेड में आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरी प्रोडक्ट की डिटेल भी बताऊंगी ताकि आप अच्छे से देख सको, समझ सको और फिर इनको परचेज कर सको। तो जी ये है मामा अर्थ की क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद मुरमुरो बटर एंड विटामिन ई। अलग अलग शेड में जो है आपको ये लिपस्टिक मिल जाएंगी। मेड सेफ है और 8 घंटे जो है वो आपके ये लिप्स पर रहेंगी, लॉन्ग स्टे हैं। ठीक है जी, शेड अलग अलग है, सारे शेड में आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगी। फ्लेक प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इंटेंस कलर पे ऑफ। ठीक है जी, और मामा अर्थ के साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। मामा अर्थ अपने सभी वैल्यूबल कस्टमर की बात सुनता है, साथ ही साथ चीज़ों को
इम्प्लीमेंट भी करता है। रीसेंट आपके फीडबैक के बाद ही अनियन शैम्पू को भी इम्प्रूव किया है। मामा अर्थ अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते हैं फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, जिससे कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेटर हो सके। जी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ शेड, ठीक है, एक एक शेड मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आता है ये वाला शेड मामा अर्थ 05 टुलिप मजेंटा, जो कि मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है। ये वाला शेड आएगा, ये देखिए इस तरीके से ये लिपस्टिक आएंगी। ये वाला शेड है जो कि भी अप्लाई भी किया हुआ है मैंने। सारे ही शेड बहुत अच्छे हैं और ये ना क्रीमी है, क्रीमी मैट में है और लॉन्ग लास्टिंग है। ये वाला शेड आ गया, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो है वो आता है ये वाला शेड जो कि है 03 पिंक रोज़, ये वाला भी मैं इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। है ये वाला, ये देखिए इस तरीके से 03 पिंक रोज़, ये वाला शेड आएगा। तो जी एक शेड है ये वाला 01 रूबी क्रश करके आएगा, ये वाला शेड, ये वाला शेड आएगा, ये आएगा 01 रूबी क्रश, ठीक है जी। ये एक शेड आएगा 02 रोज न्यूट, ये वाला, एक शेड आएगा ये वाला, ये रहेगा 02 रोज न्यूट, ये देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा कलर है ये। नेक्स्ट शेड आएगा 04 मयूवे ब्लूम, ये वाला 04 मयूवे ब्लूम, ये देखो ये आ जाएगा, ये ठीक है। जीरो फोर मयूवे ब्लूम, शेड आता है 06 एप्रिकोट लेयोपे, एप्रिकोट लेयोपे। नेक्स्ट शेड आ जाता है ये वाला 06, सारे ही शेड। नेक्स्ट शेड आता है 09 कैरनबेरी क्रश, 09 क्रैमबेरी क्रश, जिसको हमारी भाषा में मैरून शेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट शेड आता है 08 हिबिस्कस न्यूड, बहुत अच्छा शेड है सच। नेक्स्ट आ जाता है 07 पिलो न्यू, लास्ट और 07 पिलो न्यू, ही वाला
सारे ही शेड मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और ये प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे मामा अर्थ .in पर, और मामा अर्थ का एक ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और इनको आप अमेज़ोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल से भी परचेज़ कर सकते हैं। और हाँ, अभी जो है वो मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट आपको आपके लोकल स्टोर पे भी मिल जाएंगे, तो आप अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हो। और एक मैं कूपन कोड भी दूंगी, अगर आपको चाहिए इन प्रोडक्ट पर 20% का डिस्काउंट, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है PAK 2024। इसको आप यूज़ करोगे तो आपको जो है वो मिलेगा 20% का डिस्काउंट। और ये जो कूपन कोड है वो सिर्फ जो है अवेलेबल होगा मामा अर्थ .in पर और मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप पर। तो जाइए जल्दी से और मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट, जो भी आपको इसमें से लिपस्टिक पसंद आई हो या आपको कोई और भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो आ रही जुकाम में भी आ रही है बेटा, जल्दी जल्दी खा ले बाबू। तो मैं नहा के आ गई थी और उसके बाद जो है वे पाकी को खाना पीना दिया है, वो ट्यूशन जाएगी। अनाया अभी जो है वो सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक अपना भी थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी है वो कर लेती हूँ। कब लोग होता है ऐसा ट्राईपोड पे लगा ली थी, ट्राईपोड बड़ा है मेरा, छोटे वाला ट्राईपोड पता नहीं कहाँ है। छोटी सी किचन है, इसको बहुत 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 ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। और ना अभी तो थोड़ा सा आधा केला है और एक आम का भी शेक बना लूँ, क्योंकि मुझे रोटी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। दूध अभी ज़्यादा ठंडा नहीं है, उसको सोच रही हूँ फ्रिज में रख देती हूँ, तब तक थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। जैसे ही मैंने कोशिश की वैसे ही अनाया उठ गई, तो फिर मैं नहीं लेती, उसके उसमें लगी हुई थी, अभी हो गई अपनी चाची के पास। और मैं तब तक अपना जो है वो तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे हेयर वॉश करना है, कल ही करूँगी, आज तो नहीं करूँगी, कल करेंगी। तो अभी मैं कर लूँगी अपने बालों पे ऑयलिंग, अभी वो सो रही है तो मैंने सोचा अभी कुछ काम भी नहीं है तो ऑयलिंग ही कर लेती हूँ। और मेरे बाल अभी काफ़ी छोटे हैं तो अब नहीं कटवाऊँगी मैं, अब तो मैंने कटा लिए जितना कटाने थे, अब कटिंग नहीं कराएंगे। अभी तेल लगा लिया, अच्छे से बांध लिए हैं, और अभी मुझे एक
वीडियो भी बनानी है, सोच रही हूँ वो भी बना लूंगी अभी, क्योंकि अभी तो पाखी भी आ ही जाएगी, एक प्रमोशनल वीडियो है, तब तक वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं। सच बताऊँ कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना खाना खाने का मन करता है और ना ही वैसे कुछ करने का मन करता है, मेरा नहीं करता बिल्कुल भी। मैं जो तो बड़ा अजीब सा रहता है गर्मियों में ना, बहुत ज़्यादा। और आज मैंने सुबह नाश्ता किया था, दोपहर भी खाना नहीं खाया है क्योंकि मन ही नहीं किया खाने का। मैंने कुछ चेहरे पर भी कुछ भी नहीं लगा के आई, यहाँ तक कि मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगा के आई अभी। आप लोगों को ये शेड कैसा लग रहा है? सच में इसका ही वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, बहुत ही अच्छा शेड है सच में, बिल्कुल डिफरेंट शेड है, बहुत ही ज़्यादा ना क्रीमी है।